भवानीमढ़ी ब्लॉक के ग्राम निपानिया उदा में देव एकादशी के मौके पर कालू लाल मंजू लाल सालेचा गौशाला का शुभारंभ हुआ। लायंस क्लब की प्रेरणा से ब्लॉक कांग्रेस संगठन मंत्री कालू लाल सालेचा ने गौशाला का निर्माण 4 लाख की निजी लागत से किया, जिसका उद्देश्य गौमाता की रक्षा करना है। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर गौशाला का शुभारंभ उन्होंने अपनी बहन के कर कमलों से करवाया। इस अवसर पर ग्राम निपानिया उदा के ग्रामवासी और भवानी मंडी के राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गौशाला संचालक व ब्लॉक कांग्रेस संगठन मंत्री कालू लाल सालेचा, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष के राठी, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया, चैन सिंह सिसोदिया, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल सचिव अख्तर अली, जिला अध्यक्ष पंचायती राज संगठन जोरावर सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष चेतन गहलोत, जोरावर सिंह गुराड़ी, व्यापार संघ अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। भवानी मंडी से छलरापटन में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद का त्यौहार अमन व शांति के साथ मनाया। सुबह करीब 8 बजे अंजुमन स्कूल से बैंड बाजो ढोल घुड़सवार के साथ शहर काजी अली असगर की सदारत में जुलूस निकाला। जुलूस मुख्य मार्ग से होता हुआ ईदगाह मैदान पहुंचा। ईदगाह पर छोटे बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में कतार खड़े मिले। सभी को शहर काजी ने ईद की नमाज अदा करवाई। शहर काजी ने समाज के लोगों को देश में सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा व अमन चैन बनाए रखने का संदेश दिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। दिन भर शहर में ईद की बधाइयों का दौर जारी रहा। मुस्लिम समाज के लोग बाजार में तथा अपने रिश्तेदारों के घर जाकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। पुलिस अधीक्षक रिजा तोमर द्वारा बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान प्रकरणों में वांछित मुलजिमों की गिरफ्तारी के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ चिरंजी लाल मीणा के निर्देशन में किशोर सिंह चौहान वृत्ताधिकारी भवानी मंडी के सुपरविजन में थानाधिकारी मिशोली दिनेश शर्मा उप निरीक्षक के नेतृत्व में टीम द्वारा विशेष प्रयास कर वांछित मुलजिम सोनू पुत्र प्रकाश जाति बांछड़ा उम्र 22 साल निवासी लोलडा का खेड़ा थाना मिशोली जिला झालावाड़ जो मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मारपीट के मामले में 10 माह से फरार चल रहा था जिला जेल नीमच से गिरफ्तार का अनुसंधान जारी है। आरोपी पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले विशेष टीम थानाधिकारी दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल रामचंद्र, मुकेश सूरज आदि रहे। झालावाड़ शहर के संजय कॉलोनी गांव के इलाके में सुबह विद्युत लाइन का तार टूटकर अचानक नीचे गिर गया। हादसे में घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चे करंट की चपेट में आकर झुलस गए। परिजन आनंद फानन में जिला अस्पताल लाए जहां दोनों बच्चों का उपचार जारी है। घटना को लेकर कॉलोनी वासियों ने डिस्कॉम कर्मियों पर मेंटेनेंस में लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ कोतवाली के थाना अधिकारी मोहनचंद ने बताया कि शहर के संजय कॉलोनी गांव के इलाके में सुबह करीब 10:30 बजे विद्युत पोल से जुड़ी एक घर की डोमेस्टिक लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। दौरान घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चे पिंकी व विष्णु विद्युत लाइन के फैले करंट के चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद अचानक अफरा तफरी मच गई। विद्युत विभाग को सूचना देकर लाइन बंद करवाई, जिसके बाद परिजनों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को जिला अस्पताल लाया। करंट में चपेट आने से झुलसे बालक विष्णु का गंभीर हालत में गहन चिकित्सा इकाई में उपचार चल रहा है। उधर कॉलोनी वासियों ने डिस्कॉम कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए फिरोज प्रधान। झालावाड़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने झालावाड़ का जिला SRG अस्पताल सहित जिला जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों को अस्पताल में कई तरह की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल के वार्डों में पहुंचकर मरीजों से चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली, तो वहीं साफ सफाई, बिजली, पानी सहित सोनोग्राफी और कई अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी मौके पर ही अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को निर्देश दिए। झालावाड़ का महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है जनाना हॉस्पिटल, और जिसमें कि मुख्य रूप से पर डे 2000 से ऊपर OPD हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारी ऐसी व्यवस्था हैं जिनके बारे में, जिसमें काफ़ी सुधार हम कर सकते हैं, उसके बारे में अवगत कराया था। और इंस्पेक्शन करके देखा कि विशेष रूप से कई ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पर कि बेसिक इंटरवेंशन करके हम सुधार सकते हैं। टॉयलेट्स का काम चल रहा है, PWD कर रही है, लेकिन टॉयलेट्स के काम को जल्दी किया जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स जो हमारे बैठ के पेशेंट देखते हैं, उस एरिया का चाहे वो सामान्य रूप से देखने में अच्छा लगे, लाइटिंग हो। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है, कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाक्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं।
एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आए अंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से ना कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रुकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।